है बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। क्या हुआ भाई? यदि आपको इन कथाओं को सुनना है तो ग्रामवासियों के मध्य में बैठना होगा। ना मुझे तुम्हारी ये कथा सुननी है और ना ही ये कथा तुम्हें किसी को सुनानी है, समझे? अपना ये पोथी पत्र समेटो और यहाँ से चलते बनो। चलते बनो यहाँ से? किंतु किस अपराध में भाई? धर्म का प्रचार करने के अपराध में। यहाँ धर्म का प्रचार बंद करो। मुझे बचाओ। क्या हुआ बंधु? मैं आज्ञा पालक हूँ, मुझे क्षमा करो। हाँ हाँ जानता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, किंतु एक शर्त पर। तुम यहाँ से अपने महाराज के पास जाओगे तो बोलोगे कि धर्म अधर्म पर भारी होता है और इस संसार में कोई भी धर्म के राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है, और तुम्हारे महाराज भी इस भ्रम जाल से जितना शीघ्र हो सके निकल जाए तो अच्छा है। हाँ कहूंगा, अवश्य कहूंगा। बंधु बंधु हो गया। महाराज बलधारी, कहिए आपने किस प्रयोजन से मुझ अंधकासुर को
इस गुफा के अंधकार से मुक्त किया है, किसका अंत करना है? बोलिए, किसकी मृत्यु की चलाई है उसे मेरे पास? गज शक्ति की। कौन है ये गज शक्ति? वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब तक उसे एक वानर बालक ने बचा के रखा है मृत्यु से, किंतु अब वो उसके समीप नहीं है। वो वानर बालक उसके पुत्र को बचाने के लिए कहीं दूर चला गया है। जब तक वो लौट के आए, तुम उस गज शक्ति का अंत कर दो। ताकि उसे और पूरे संसार को पता चले कि बलधारी से सत्ता मोल लेने का परिणाम क्या होता है। ऐसा ही होगा महाराज। मैं उस गज शक्ति को समाप्त करके उसकी आत्मा को सदा सदा के लिए अंधकार में भेज दूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे उद्देश्य को पूर्ण करोगे। जाओ, विजयी हो, जाओ। गज शक्ति। ये तुम्हारा बंदी गृह है। अब तुम यहीं बंद रहोगे तब तक जब तक मैं उस वानर बालक का अंत नहीं कर देता। तुम जानते नहीं हो अभी मेरे मित्र को, वह बहुत शक्तिशाली है। अगर अपना हित चाहते हो तो मुझे जाने दो और मेरे मित्र से क्षमा मांग लो, अन्यथा तो समझ लो। अन्यथा क्या? एकदम चुप। उस भ्रष्ट वानर बालक के कारण तुम पिता पुत्र का दुस्साहस बहुत बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हारे उस मित्र के साथ क्या कर सकता हूं। मेरे दोस्त पर पूरा विश्वास है कि तुम उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकते। वो आएगा और मुझे यहां से लेकर जाएगा। वहां से अदृश्य होने के बाद कागमुंडी अवश्य इसी वन में आया होगा, क्योंकि यही वो मायावी शक्ति का निवास स्थान है। सामने आओ काकमुंडी, सामने आओ। कायरों की तरह कहाँ छिप कर बैठे हो काकमुंडी, सामने आओ। अच्छा हुआ जो तुम स्वयं यहाँ आ गए। अपने अंत के लिए कष्ट उठाने से मुझे बचा लिया। काकमुंडी, कौन किसका अंत करेगा वो तो समय ही बताएगा। तुम पहले ये बताओ कि मेरा मित्र सुमेर कहाँ है। वानर बालक, भूल जाओ उस सुमेर को। आओ, पहले मेरे सामने आओ। कहाँ गया काकमुंडी? मैं यहाँ हूँ वानर बालक, यहाँ। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते वानर बालक, तुम में शक्ति नहीं है, व्यर्थ चेष्टा करते हो। कागमुंडी, तुम्हें अपनी शक्ति पर मिथ्या अभिमान है। क्या कहा? सत्य है। वास्तविकता तो ये है कि तुम में शक्ति नहीं है, तुम निर्बल हो, निर्बल। क्या?
क्या कहा कि मैं निर्बल हूँ? हाँ हाँ काकमुंडी, तुम निर्बल हो, निर्बल। और यदि तुम में शक्ति है तो मेरी शक्ति का सामना करके दिखाओ। जिधर भी जाओगे ये बाण की तरह तुम्हारा पीछा करेगी। ये त्रिशूल हमारा क्या बिगाड़ लेगा वानर बालक? तुम सच में मूर्ख हो, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो। ये क्या क्या किया इस दुष्ट वानर बालक ने? यदि मैं यहाँ एक पल और रुका तो मेरा अंत निश्चित है। बुद्धिमानी इसी में है कि मैं यहाँ से अविलंब भाग निकलूं। आगे की योजना को कार्य रूप देने के लिए जीवित रहना अति आवश्यक है। कहीं भी छुप जाओ लेकिन इस त्रिशूल की शक्ति से नहीं बच पाओगे। अविश्वसनीय, धिक्कार है कि चारवाक के सैनिक होकर तुमसे वो साधारण से तुच्छ से भोज पत्र फाड़े नहीं गए, तुमसे वो नष्ट नहीं हो पाए। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, वो भोज पत्र कोई साधारण भोज पत्र नहीं है और वो रीच कोई साधारण रीच नहीं है, उसमें विचित्र और अद्भुत शक्तियां हैं महाराज। व्यर्थ की बातें मत करो सैनिक। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, मैंने जो अनुभव किया मैं वो ही कह रहा हूँ। वो भोजपत्र इतने भारी थे कि मैं उसे उठा नहीं पाया महाराज। एक थल की फूंक से उड़कर योजन कोस दूर जाने वाला भोजपत्र सबसे इतना भारी हो गया सैनिक, मुझे तुम्हारे मन में खोट दिख रहा है। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, ना मेरे मन में और मेरी मंशा में कोई खोट है। सच में वहां की वस्तु स्थिति ऐसी ही थी। रीच आपके आदेश को सुनकर भयभीत नहीं हुआ महाराज, बल्कि उल्टा धर्म का और उपदेश देने लगा। मेरी चेतावनी के बाद भी वो धर्म की महिमा बताने से रोका नहीं, मुझे कथा सुनने को कहने लगा कि धर्म से पाप नष्ट होते हैं। और इतना ही नहीं महाराज, उसने आपको भी संदेश देने को कह डाला। कैसा संदेश? यही कि धर्म सदा अधर्म पे भारी पड़ता है, किसी भी युग में ना अधर्म का राज हुआ है ना होगा। आपको भी अधर्म का मार्ग छोड़ने को कहा है उस रीच ने महाराज। बस सैनिक बस, अब यदि उसके समर्थन में एक शब्द भी बोले तो तुम्हारी बातों से आभास होता है कि तुम मेरे नहीं उस रीच के सैनिक हो, उस रीच के जो मेरे मार्ग का बाधक है। किंतु अब वो बाधा मेरे मार्ग में अधिक समय तक नहीं बना रहेगा। वो रीच निर्भय तभी तक है जब तक वो चरवा की शक्ति को नहीं देखा है। अब वो शीघ्र ही मेरे बल सामर्थ्य को देखेगा, शीघ्र ही उसके बाद उसकी समझ में आएगा कि उसका धर्म का प्रचार कितना उचित है, कितना अनुचित। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे बचूं इस त्रिशूल से। कहां जाऊं? काकमुंडी, तुम कहीं भी जाओगे
लेकिन इस त्रिशूल की शक्ति से नहीं बच पाओगे। इसके द्वारा तुम्हारा अंत तो निश्चित है। ये स्थिर तभी पड़ेगा जब तुम्हारा अंत होगा। बच सकते हो तो दिखाओ अपना बल बचने के लिए। मैंने तीनों लोगों में भागकर देख लिया, मुझे कहीं भी छुपने का स्थान नहीं मिला। अब तो केवल एक ही ऐसा स्थान जहां पर मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है। मुझे अविलंब वहीं चलना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं आपको पहचान नहीं सका। किंतु अब मैं आपको पहचान गया। आप शक्ति के महासागर हैं। मुझ अज्ञानी पर दया कीजिए प्रभु। काकमुंडी, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु हम धर्म से बंधे हुए हैं। और हमारे यहाँ का धर्म ये है कि शरणक चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसे दान में क्षमा अवश्य देनी चाहिए। इसलिए जाओ, मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करता हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन रक्षा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कृपा के बदले मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु कि मैं कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलूंगा, सदैव धर्म का मार्ग ही अपनाऊंगा। क्योंकि धर्म की शक्ति को मैंने अपनी आंखों से देख लिया और पहचान भी लिया। मेरा मित्र सुमेर कहाँ है काकमुंडी? पास में ही एक गुफा है, वहीं पर है। धन्यवाद। बहुत बड़ा अपराध किया, किंतु महाराज बलधारी तो मुझसे भी बड़ा अधर्म करने जा रहे हैं। उनके इस अधर्म के लिए ना तो कोई क्षमा है और ना ही कोई प्रायश्चित है। मुझे उन्हें रोकना होगा ये पाप करने से, ये अधर्म करने से। मुझे उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना ही होगा, यही मेरा प्रायश्चित होगा। हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। देवीरा
रघुनाथ पठाए लंका जारी सिय सुदिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत पार न लाई लंका जारी असुर संघारे सिया राम जी के काज समारे आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लौछाई जो हनुमान की आरती गावे बसि बैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की पालन के लिए धन्यवाद कैसा मित्र तुम मेरे मित्र हो और मित्र धर्म के नाते मित्र को संकट से निकालना एक मित्र का परम धर्म होता है और मैंने तो सिर्फ वो ही किया है चलो गृह चलो हाँ चलो दादी चिंतित हैं।